हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनएस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विकास गुप्ता। इस वीडियो में हम DSSB 46B21 जो हेड क्लर्क की वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में क्या क्या डिस्कशन करेंगे, वह डिस्कशन होगा सिलेबस का, वैकेंसी के डिटेल्स का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और कंपटीशन के लेवल का। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो हेड क्लर्क के वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो ये पोस्ट हेड के हैं, हेड क्लर्क का पोस्ट है। टोटल 12 पोस्ट हैं जिसमें बैचलर डिग्री और साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यह जो सिलेबस है दोस्तों, Tier 1 और Tier 2, दो टायर में आपका ये एग्ज़ाम होगा। टायर वन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट से, और प्रत्येक क्वेश्चन 40 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स का होगा। यानी कि टायर वन में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। टायर टू की बात करें तो टायर टू में आपका Part 1 और Part 2 दो एग्जाम्स होंगे। पार्ट वन की बात कर लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रत्येक 5 सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। यानी कि टायर टू के पार्ट वन में 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। टायर टू की बात करें यानी कि पार्ट टू की, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें कि एसे आपको इंग्लिश में 50 मार्क्स का दिया जाएगा और लेटर राइटिंग जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। यानी कि टायर टू में जो आपका पार्ट टू है वो टोटल 75 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, एक समरी हम देख लेते हैं टायर वन और टायर टू का। तो टायर टू में जो टोटल क्वेश्चन होगा वो आपका 200 होगा और टोटल मार्क्स भी 200 होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 पर रॉन्ग आंसर यानी कि 1/4 होगा और टोटल टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा। टायर टू की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 200 होगा, साथ में एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो पार्ट वन का 200 और डिस्क्रिप्टिव का 75 यानी कि 275 टोटल मार्क्स का एग्जाम होगा टायर टू का। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 यानी कि 1/4 यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग होगा और टोटल टाइम आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। यानी कि पार्ट वन जो कि MCQ होगा उसके लिए 2 घंटे और डिस्क्रिप्टिव के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिटेल, किस किस टॉपिक से किस किस सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग में 16 टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखा है जिसमें कि वर्बल, नॉन वर्बल लिंकिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी इत्यादि 16 टॉपिक से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को जरूर से जरूर आप करके जाइएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, साथ में टेबल एंड ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 15 टॉपिक्स हैं जो मैथ में जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हम इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 7 टॉपिक हैं, कम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साथ में सिनोनिम, एंटोनिम और यूजेज ऑफ वर्ड्स। ये टोटल 7 टॉपिक्स से आपके इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की। तो हिंदी में आपको संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, स्वनाम एवं स्वनाम के भेद, विशेषण तथा विशेषण के भेद, साथ में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वाक्य निर्माण, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, वचन, उपसर्ग प्रत्यय, अलंकार, तत्सम, तद्भव और समास इत्यादि 13 टॉपिक्स से हिंदी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 13 टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो यह दोस्तों बहुत ही फास्ट टॉपिक होता है जिसमें पहले आपसे करंट इवेंट्स, जिसे हम करंट अफेयर्स भी कहते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि 11 टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन हेड क्लर्क के रूप में हो जाता है तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो बात करें सैलरी की दोस्तों, तो 34,800 प्लस में 4600 ग्रेड पे इसका हमारा पे स्केल होगा। यह जो पोस्ट है हेड क्लर्क का वह ग्रुप सी का पोस्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितने पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी है, कंपटीशन का लेवल क्या है। तो दोस्तों RTI से जिस प्रकार हमें मालूम चला है वह यह है कि 95,261 बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया है टोटल 12 पोस्ट के हेड क्लर्क के पोस्ट के लिए। 95,261 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है और साथ में आपका मैं आपको बता दूं कि 46/21 का एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। तो अभी से आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम का जो डेट है आपको दोस्तों 22 फरवरी से 25 फरवरी के बीच रखा गया है 46/21 हेड क्लर्क के एग्ज़ाम का डेट। तो एग्ज़ाम का डेट भी आप निकल चुका है, 2 महीने समय है जिसमें आपको पूरा क्लियर कर लेना है। बात करें दोस्तों टोटल अप्लीकेशन कितने फिल हुए हैं, उसमें आपको मैंने बताया कि 95,000 अप्लीकेशन लगभग फिल हुए हैं और टोटल 12 पोस्ट हैं। यानी कि प्रत्येक पोस्ट के लिए 8,000 बच्चे फाइट करेंगे। तो कंपटीशन का लेवल जो है बहुत ही अधिक हाई है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह से डिटेल सिलेबस और सारे पोस्ट कोड के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही किसी प्रकार का डाउट हो तो आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।